निफ्टी अभी 18,340 के आसपास चल रहा है, और यहां से मुझे लगता है एक बार वी विल अटेम्प्ट 18,650 या 18,700 तक हम जा सकते हैं, और वहां से एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसी हफ्ते, प्रोबेबली नेक्स्ट 4-5 सेशन में, जो वापस इसको 18,100 तक मेरे हिसाब से आ सकता है। तो 18,100 से 18,700 तक का एक रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, और शॉर्ट टर्म इसमें 18,250 का एक सपोर्ट है, तो अगर अभी भी कोई इसमें लॉन्ग है तो वहां पे वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना 18,250 के आसपास, एंड आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि 18,700 तक हम एक अटेम्प्ट करेंगे। जी, तो सर ने निफ्टी 50 पर अपनी राय दे दी है, बता दिया है किस तरीके से सर देख रहे हैं। सर बैंक निफ्टी की बात करें तो उस पे क्या राय बनती है? देखिए, बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो 41,900 है, जो कि प्रीवियस सेशन लो है। प्रीवियस सेशन लो अराउंड 41,918 था। 41,900 करीब करीब ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा। अगर उसको ब्रेक करेगा तो शायद वो गैप फिल करने की एक बार कोशिश करेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 43,000 एक टफ रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए आगे पार करने के लिए। तो वहां से भी अगर हम एक अटेम्प्ट तो करेंगे शायद 42,700 43,000 को टेस्ट करने का, और वहां से अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन ऑफ एटलीस्ट 4-5%। जी, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर।